महाराज श्री, इधर आदरणीय अर्जुन दादा बैठे हुए हैं, इधर भले ही कौरव ना हो लेकिन गौरव भैया हैं। महाराज श्री, इधर अर्जुन दादा बैठे हुए हैं, इधर कौरव नहीं है लेकिन गौरव भैया बैठे हुए हैं, और यहाँ गुरुद्रोण बैठे हुए हैं, प्रकाश दादा के रूप में यहाँ गुरुद्रोण बैठे हुए हैं। आदरणीय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मेरे बहुत ही ये जिम्मेदारी ऐसी होती है, तमाम तरह की विडंबनाओं से हमें गुजरना पड़ता है। आइए, आदरणीय दादा से निवेदन करना चाहता हूँ, लखनऊ से हमारे मध्य में आए हैं, और यकीन मानना ये देश के वो वरेण्य रचनाकार हैं जिनका लोग अपने रक्त से तिलक किया करते थे। ये देश के वो महनीय हस्ताक्षर हैं जो हमारे मध्य में बैठे हुए हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि उनके चरणों में हम काव्य पाठ कर रहे हैं। आदरणीय दादा वेदव्रत वाजपेयी जी की अगवानी में खड़ा हुआ हूँ, केवल इतना कह सकता हूँ, माता हंस वाहिनी के होते नहीं लाडले तो मुनि बस धापे ज्ञान ज्योत प्रकटाता कौन। भटक रहे हैं जौन लक्ष्यहीन साधकों को, साधनाओं की सुगम राह दिख लाता कौन। और वह मनस्यता के जो लगा रहे हैं वृक्षों ने, मानवीयता के महाग्रंथ को पढ़ाता कौन। और कवियों ने अपना भाया नहीं होता धर्म तो हृदय में देशभक्ति भावना जगाता कौन। एक बार जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करिए आदरणीय दादा वेदव्रत वाजपेयी जी। इतनी कमजोर तालियों में उन्हें बुलाने वाला नहीं हूं। एक बार पूरा सदन आगे से पीछे तक जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करिए आदरणीय वेदव्रत वाजपेयी जी। गुरुदेव थोड़े आशीर्वाद मेरे लिए भी बचाए रखिएगा, ये सारे कवि ले लेंगे फिर मैं क्या करूंगा। बहुत देर से मैं प्रतीक्षा कर रहा था अपनी, मैं सोच रहा था ऐसा तो नहीं आज बैठने के लिए बुलाया गया हो। आज ये बड़े सौभाग्य का विषय है कि देश के महान संत के शरण में बैठकर मुझे कविता सुनाने का अवसर मिला है। और संसार में कविता वो अमर हुई है जो संतों के चरणों में बैठकर लिखी गई या संतत्व के वातावरण में लिखी गई, वे कविताएं अमर हुई हैं। मैं प्रकाश भैया का इसलिए आभारी हूं कि सारा संसार जिनके दर्शन करना चाहता है, उन्होंने बड़े सहजता से उनके चरणों का स्पर्श करने का मुझे अवसर दिया है। वैसे देश का ऐसा कोई राजनेता नहीं है मतलब शायद एक दो बचे हों जिनसे मुझे सम्मानित होने का अवसर न मिला हो, लेकिन जो गुरुदेव के आशीर्वाद से मुझे आत्मतोष हुआ है, मैं समझता हूं कि अगर मुझे पद्म भूषण मिलता तो इतना आनंद नहीं आता जितना गुरुदेव के चरणों में बैठकर मुझे मिला है। बहुत अच्छी, वाह वाह। मैं भाई अजय अंजाम ने हल्दी घाटी का पूरा दृश्य उपस्थित कर दिया। हिंदुत्व के दो महानायक हुए, एक छत्रपति शिवाजी, बहुत महीन बात कह रहा हूं, और ऐसी बात कह रहा हूं कि अगली बार आप उसको अपने काव्य में भी रखेंगे तो अच्छा लगेगा। हिंदुत्व के दो महानायक हुए हैं, एक छत्रपति शिवाजी जो दक्षिण में युद्ध कर रहे थे मुगलों के खिलाफ, और लेकिन उनका साथ देने के लिए उत्तर में गुरु गोविंद सिंह भी उनके साथ खड़े थे, लेकिन जब राणा प्रताप युद्ध लड़ रहे थे तो हिंदुस्तान में अकेले राणा प्रताप युद्ध लड़ रहे थे और मुगलिया शासन को चुनौती दे रहे थे। ये राणा प्रताप का जज्बा था, ये राणा प्रताप की ताकत थी, ये शक्ति थी। तब बात कहने की कोशिश करता हूं और एक बहुत महीन बात कहने जा रहा हूं। आपकी कविता में युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन चार लाइनें पढ़ना चाहता हूं। या तो मान युद्ध में तुम्हारा कुचलेंगे मान, या तो मान युद्ध में तुम्हारा कुचलेंगे मान, या तो रणचंडी का प्रलय के साज साजेगी
और गुरुदेव जो आप अपने भाषणों में कहते हैं वो पंक्ति कहने जा रहा हूं, या तो मान युद्ध में तुम्हारा कुचलेंगे मान, या तो रणचंडी का प्रलय के साज साजेगी, और देश में रहेंगे या तो तुमसे गुलाम या तो मातु बलिवेदी पे हमारी कीर्ति राजेगी। वाह, मातु बलिवेदी पे हमारी कीर्ति राजेगी और शासन करेंगे। अब सारा सदन भी मुझे आशीर्वाद दे, जो सो गए हैं वो भी आशीर्वाद दे, इधर के लोग जो खड़े हैं वो आशीर्वाद दे, जो ब्लैक कैट कमांडो खड़े हैं वो मुझे आशीर्वाद दे, और मंच भी चार पंक्ति पर आशीर्वाद दीजिएगा कि या तो मान युद्ध में तुम्हारा कुचलेंगे मान, या तो रणचंडी का प्रलय के साज साजेगी, देश में रहेंगे या तो तुमसे गुलाम या तो मातु बलिवेदी पे हमारी कीर्ति राजेगी, शासन करेंगे या तो गीदड़ ऐरावत पे या तो सिंह सेना की ही मंडली विराजेगी, अकबर की ही तेग चमकेगी, या तो दिल्ली की धुरी पे ताप चेतक की बाजेगी, दिल्ली की धुरी पे ताप चेतक की बाजेगी। कहना चाहता हूं बात गद्य की है, पद्य की नहीं है, गद्य की है लेकिन पद्य में समझ लेना। दुनिया में सबसे गहरा नशा देशभक्ति का होता है, दुनिया में सबसे गहरा नशा देशभक्ति का होता है। प्रेमिका के जूड़े में कोई फूल गूंथने जाता है, मंदिर की चौखट पर कोई प्रसाद चढ़ाने जाता है, लेकिन जो देश के मंदिर में जाता है वो अपना शीश चढ़ाने जाता है। दुनिया में सबसे गहरा नशा देश पर। एक बार भारत माता का जयकारा लगाइएगा, भारत माता की। जरा दोनों हाथ मुझे लगे कि आप जीवित अवस्था में हैं, पूरा पीछे तक लगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। मैं बोलूंगा जय भवानी, आप बोल दीजिएगा जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, भारत माता की जय। कि देश नहीं बनता है मिट्टी गिट्टी ईंट मकानों से। अब मेरी लय पर ध्यान दीजिएगा, मेरे पास ना ढोलक है न मजीरा है, ना कोई हारमोनियम है, ना कोई वाद्य है, केवल शब्द की टंकार है और शब्द ब्रह्म है। शब्द कविता मंत्र होती है, लेकिन उस छोटा सा मंत्र होता है लेकिन उसकी मंत्रणा बहुत बड़ी होती है। इसलिए दो पंक्ति कहने की कोशिश करता हूं, आशीर्वाद दीजिएगा। कहना चाहता हूं कि देश नहीं बनता है मिट्टी गिट्टी ईंट मकानों से, देश नहीं बनता है मिट्टी गिट्टी ईंट मकानों से, देश नहीं बनता है मिट्टी गिट्टी ईंट मकानों से। और अगली पंक्ति पर हवा में हाथ लहराते हुए दिखाई दें कि देश नहीं बनता है मिट्टी गिट्टी ईंट मकानों से, देश नहीं बनता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता आप एक साथ ताली बजा दें, देश नहीं बनता है मिट्टी गिट्टी ईंट मकानों से, देश नहीं बनता है मिट्टी गिट्टी ईंट मकानों से। माँ का मस्तक ऊंचा होता बेटों के बलिदानों से, माँ का मस्तक ऊंचा होता। दोनों हाथ पर उठाकर मुझे प्रशंसा की नई आशीर्वाद की तालियां दे दीजिए। माँ का मस्तक ऊंचा होता बेटों के बलिदानों से, माँ का मस्तक ऊंचा होता। अब लगा कि आप मुझे सुनना चाहते हैं, मुझे लगा कि अभी वाजपेयियों का प्यार आपके मन में बाकी है। देव देव, माँ का मस्तक ऊंचा होता बेटों के बलिदानों से। और एक पूजा की पंक्ति पढ़ने जा रहा हूं कि जहां शहीदों के शोणित की एक बूंद भी गिरती है। अब गुरुदेव ने कह दिया है तो बात बढ़िया ही होगी, क्योंकि मैं एक बात जरूर देख रहा हूं कि मैं और भी संतों के बीच में गया हूं, लेकिन आपका कविता, आपका रोम रोम कविता सुन रहा है। आपने एक आप इतना आशीर्वाद कोई संत कवियों को नहीं देता है, तब मैंने बात कहने की कोशिश की है कि जहां शहीदों के शोणित की एक बूंद भी गिरती है, जहां शहीदों के शोणित की एक बूंद भी गिरती है, मंदिर मस्जिद से भी पावन हो जाती वो धरती है, मंदिर मस्जिद से भी पावन हो जाती वो धरती है, मंदिर। एक अनूठी पंक्ति पढ़ रहा हूं,
कविता का कवि का काम तो यही है कि अनूठा ही कहे, जूठन की पकौड़ी ना बनाए। तब बात मैंने कहने की कोशिश की है, एक रत्न होता है पन्ना जो आपके पन्ना बगल में पाया जाता है, और एक पन्ना धाय। मेरी बहनों के लिए भी कोई बात नहीं कही गई है, मैं बहनों के लिए बात कहना चाहता हूं, और महाराणा प्रताप की भी बात अभी हुई है, लेकिन अगर जो मैं कह रहा हूं बात, अगर वो बात ना होती तो महाराणा प्रताप का जन्म ही नहीं होता। तब बात कहने की कोशिश करता हूं, जहां शहीदों के शोणित की एक बूंद भी गिरती है, जहां शहीदों के शोणित की एक बूंद भी गिरती है, मंदिर मस्जिद से भी पावन हो जाती वो धरती है, मंदिर मस्जिद से भी पावन हो जाती वो धरती है। बेशक हीरा मोती पन्ना की दुनिया आभारी है, बेशक हीरा मोती पन्ना की दुनिया आभारी है, बेशक हीरा मोती पन्ना की दुनिया आभारी है, लेकिन पन्ना वाला पन्ना रामायण से भारी है, लेकिन पन्ना वाला पन्ना रामायण से भारी है, लेकिन पन्ना वाला पन्ना रामायण से भारी है। शामिल कर लो देशभक्ति को सब अपने संकल्पों में, शामिल कर लो देशभक्ति को सब अपने संकल्पों में, शामिल कर लो देशभक्ति को सब अपने संकल्पों में, मातृभूमि पर मरने का सुख मिलता है सौ कल्पों में, मातृभूमि पर मरने का सुख मिलता है सौ कल्पों में। जिसके मन में देशभक्ति का पावन सपना होता है, जिसके मन में देशभक्ति का पावन सपना होता है, श्री राम सा उसको सारा जीवन तपना होता है, श्री राम सा उसको सारा जीवन तपना होता है, श्री राम सा उसको सारा जीवन तपना होता है। आजादी का दीप जलाना पड़ता अपने प्राणों से, हम गुरुदेव के, आपके और गुरुदेव के दोनों के हाथों से पहनना चाहेंगे, मुझे अच्छा लगे। ये केसरिया पगड़ी गुरुदेव ने मुझे पहनाई है, और मैं जन्म जन्मांतर तक इसको सुरक्षित रखूंगा, और अपने बेटों से भी कह जाऊंगा कि अगली पीढ़ी भी तुम्हारी इस पगड़ी की पूजा करे। वाह वाह वाह, गुरुदेव लोगों ने तो लिखा होगा, लेकिन हमने किया है। मेरी बहू सेना में कैप्टन है, और इससे बड़ी बात है कि आप लोग ताली और शंखनाद के बिना नहीं रहेंगे। मेरी बहू सेना में कैप्टन है, और जो सबसे अशांत क्षेत्र है कुपवाड़ा, उसमें तैनात है इस समय, और देश की रक्षा कर रही है। मुझे गर्व है इस बात पर। गुरुदेव राम की भी कविताएं बहुत हुई हैं, लेकिन मैंने राम की कविताएं उस समय लिखना शुरू किया था जब लोग ये कहते थे कि वेदव्रत वाजपेयी राम की कविता न लिखना। मुझे धमकी मिलती थी, मुझे 17-18 बार मेरे ऊपर हमले हुए हैं, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं, और मुझे यह भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि जब राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ था तो शायद दूसरा तीसरा सीमेंट का तसला उस शिलान्यास में वेदव्रत वाजपेयी ने डाला था, तो अब इसके आगे कविता क्या लिखी जाए। तब जो मैंने बात अब कहने की कोशिश की, बड़ी महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं, आप आशीर्वाद मुझे दीजिएगा, हौसला दीजिएगा, मैं कहना चाहता हूं कि मां का मस्तक ऊंचा होता बेटों के बलिदानों से, और अगली पंक्तियों में
जो लोग वाकई में सो रहे हैं वो जगेंगे। और एक ऐसी बात कहने जा रहा हूं जो अब तक नहीं मंच से कही गई है, इतनी बातें हो गई हैं फिर भी नहीं कही गई हैं। वेद भरद्वाज पे हिम्मत के साथ बोलेंगे, हम डर कर नहीं बोलते हैं, मर कर नहीं बोलते हैं, हम पुरस्कारों के लिए नहीं लिखते, हम सरकारों के लिए नहीं लिखते, हम दरबारों के लिए नहीं लिखते हैं, हम अपने देश के लिए लिखते हैं, अपनी मातृभूमि के लिए लिखते हैं, अपने राष्ट्र के लिए लिखते हैं। तब जो बात कहने की मैंने कोशिश की है सुनिएगा कि आखिर कब तक देश जलेगा उग्रवाद की भट्टी में, आखिर कब तक देश जलेगा उग्रवाद की भट्टी में, आखिर कब तक देश जलेगा उग्रवाद की भट्टी में। हमको पूरी दुनिया करनी होगी अपनी मुट्ठी में, हमको पूरी दुनिया। वाह 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 वाह। हमको पूरी दुनिया करनी होगी अपनी मुट्ठी में, हमको पूरी दुनिया अपनी होगी अपनी मुट्ठी में। विश्व गुरु की पदवी भारत को फिर से लौटानी है, विश्व गुरु की पदवी भारत को फिर से लौटानी है, विश्व गुरु की पदवी भारत को फिर से लौटानी है। ये धरती कमजोर नहीं पानी इसका बलिदानी है, ये धरती कमजोर नहीं पानी इसका बलिदानी है। और अब इस धाम को दो पंक्तियां समर्पित करना चाहता हूं, इस पे ये पानी इसका बलिदानी है। और कैसे हम विश्व गुरु हैं इसके कुछ तर्क देने होंगे, कुछ खाली थोड़ी कहना पड़ेगा कि हम विश्व गुरु हैं, विश्व गुरु हैं। इसके पीछे कोई आपको सपोर्ट भी देना पड़ेगा तब आपको विश्व गुरु माना जाएगा। मैं वो सपोर्ट देने जा रहा हूं। अगर आपको भी ऐसा लगे कि नहीं बात बढ़िया कही है, बात तो ऐसी है, तो फिर मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। मैंने कहने की कोशिश की है सुनिएगा। स्वागत। विश्व गुरु की पदवी भारत को फिर से लौटानी है, विश्व गुरु की पदवी भारत को फिर से लौटानी है। ये धरती कमजोर नहीं पानी इसका बलिदानी है। पुत्र हमारे सूरज की गति को भी रोक दिया करते, पुत्र हमारे सूरज की गति को भी रोक दिया करते, पुत्र हमारे सूरज की गति को भी रोक दिया करते। हम अगस्त बन बूंद बूंद सागर को सोख लिया करते, हम अगस्त बन बूंद बूंद सागर को सोख लिया करते, हम अगस्त बन बूंद बूंद सागर को सोख लिया करते। वक्त पड़े तो शेषनाग के फड़ पर नाच लिया करते, वक्त पड़े तो प्रकाश भैया, वक्त पड़े तो शेषनाग के फड़ पर नाच लिया करते। और मुझे ऐसा लगता है गुरुदेव इस अगली पंक्ति पर मुझे आशीर्वाद जरूर देंगे कि वक्त पड़े तो शेषनाग के फण पर नाच लिया करते। अब तीन डगों में तीन लोक की धरती नाप लिया करते, तीन डगों में तीन लोक की धरती नाप लिया करते, तीन डगों में तीन लोक की धरती नाप लिया करते। और ऐसी बात कहने जा रहा हूं गुरुदेव जो साहित्य की भी है मंच की भी है, और अभी तक ऐसी बात हुई नहीं है मंच पे, इसलिए कवि का काम है कि नई बात को कहना, जूठन की पकौड़ी बनाने का काम नहीं है। कवि का काम मौलिक बात कहना है, तब बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि तीन डगों में तीन लोक की धरती नाप लिया करते। अमेरिका कहता है कि मदारियों का देश है, फ्रांस कहता है जुआनियों का देश है, अमेरिका कहता है ये भिखारियों का देश है। ये कैसा देश है मैं दो पंक्तियों में परिभाषित अगर कर दूं तो मुझे आशीर्वाद जरूर दीजिएगा, क्योंकि मौलिक कविताएं लिखना थोड़ा कठिन हो रहा है और उससे भी कठिन सुनना हो रहा है। तब बात कहने की कोशिश कर रहा हूं, सुनिएगा कि तीन डगों में तीन लोक की धरती नाप लिया करते, तीन डगों में तीन लोक की धरती नाप लिया करते। ये कुबेर का देश सदा सोने चांदी से मढ़ा रहा, दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा हिंदुस्तान के पास था। यह कुबेर का देश, और अगली पंक्ति पर आप सुनिएगा, यह कुबेर का देश सदा सोने चांदी से मढ़ा रहा, यह कुबेर का देश सदा सोने चांदी से मढ़ा रहा।
कोहिनूर हीरा मेरी माँ के चरणों में पड़ा रहा, कोहिनूर हीरा मेरी माँ के चरणों में पड़ा रहा। डॉलर वाले क्या समझेंगे इस भारत की गहराई, डॉलर वाले क्या समझेंगे इस भारत की गहराई। हमने जय करके सोने की लंका वापस लौटाई, हमने जय करके सोने की लंका वापस लौटाई। अपने दोनों हाथ उठाकर भारत माता की जय बोल, अपने दोनों हाथ उठाकर भारत माता की जय बोल, अपने दोनों हाथ उठा। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।